नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं अपनी किडनी फेलियर जर्नी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिसमें बताता हूँ कि कैसे मेरी किडनियाँ सही होना शुरू हुई और कैसे मेरी डायलिसिस बंद हुई। 2 साल से मेरी डायलिसिस बंद है और इसके साथ साथ मेरी किडनियाँ भी सही हो रही हैं। और अगर आपको इस पर विश्वास ना हो तो आप मेरे पुराने रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास हो दवाई पर तो आप लीजिए, वरना ट्रांसप्लांट भी एक अच्छा तरीका है डायलिसिस से बचने का। और मैं ट्रांसप्लांट को कोई गलत नहीं कहता हूँ, पर मैं उसका सपोर्ट भी नहीं करता क्योंकि मैं खुद ही नहीं करा रहा हूँ। बट अगर आप चाहें तो ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं और जिसको चाहे दवा ले सकता है। पर इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। पर अभी अभी इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस कंडीशन में कैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, इस कंडीशन में मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ। यानी कि अगर आपकी किडनी फेलियर जो पेशेंट होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि उनके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायलिसिस हो रहा हो या फिर उसके साथ उनको डाइट लेना पड़ता है या बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी डायलिसिस नहीं हो रही है, इसके वजह से मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरी कोई डाइट नहीं है तो ट्रैवल कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि मेरे को अपने साथ आरओ वाटर कैरी करना पड़ता है, जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। अपनी मेडिसिन को कैरी करना पड़ता है। बाकी मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। बट जो बाकी जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस करा रहे हैं, वो ट्रैवल करना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उनको जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ के लिए एक एक डायलिसिस सेंटर खोजना पड़ता है पहले से, जहाँ पर उनकी रजिस्टर करना पड़ता है कि उनकी कोई भी डायलिसिस मिस ना हो। उसके साथ अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पर मेरे को ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं अपने साथ सिर्फ एक आरओ वाटर कैरी करता हूँ, आरओ वाटर बॉटल कैरी करता हूँ और उसके साथ साथ अपनी दवाइयाँ कैरी करता हूँ। बाकी मेरी कोई डाइट है नहीं तो मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। तो ये सब ऐसे मैं ट्रैवल करता हूँ। और बस अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक का नाम बताइए, मैं उस वीडियो पे बनाऊंगा। क्योंकि इस समय मैं अपने घर पे नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि अभी घर पे नहीं हूँ। बाकी मैं अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब मैं कमेंट में भी दे दूँगा और नेक्स्ट वीडियो बना के भी दे दूँगा अगर आप चाहेंगे तो। और जो थोड़ा बहुत आपको ये बैकग्राउंड या फिर थोड़ा बहुत वीडियो में अगर क्वालिटी में या कुछ में दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं अभी घर पर नहीं हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और